मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज आप इंग्लिश में पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट क्या होता है? ए टू जेड जो आप लिखते हैं, चाहे वो स्मॉल हो या कैपिटल, उसे ही अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो ये अल्फ़ाबेट हुआ। लेटर्स, लेटर्स कितने हैं? तो ए से जेड तक जो आप लिखते हैं वो कितने हैं, तो काउंट करने से आप देखेंगे जो वो 26 लेटर्स हैं। तो लेटर्स कितने होते हैं? 26। वॉवेल्स कितने हैं? तो आपको पता है जो वॉवेल्स 5 हैं। कौन सा? तो ए ई आई ओ यू, ये आपके वॉवेल्स हो गए। तो 26 लेटर्स में 5 वॉवेल्स है, तो फिर बाद बाकी जो बच रहे हैं 21 लेटर्स, उसे आप क्या कहेंगे? तो उसे आप कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। कॉन्सोनेंट लेटर्स कौन सब होते हैं? बी सी डी एफ जी एच, इस तरह के जो बचे हुए लेटर्स हैं। ए ई आई ओ यू के बाद जितने लेटर्स बच जाते हैं वो 21 लेटर्स होंगे, और वही आपके कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ओके, अब आप आगे देखिए, फोनिक साउंड पर मैं पढ़ा रही हूँ। तो वॉवल्स के अकॉर्डिंग ही आप फोनिक साउंड ऑफ वॉवल्स पढ़ते हैं। तो आज फोनिक साउंड वॉवल ए का आप पढ़ रहे हैं, ए का वर्ड्स। तो सी ए टी कैट, बी ए टी बैट, ये आपने पहले पढ़े होंगे। अब आप इससे कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे, और वो लेकिन वो भी फोनिक साउंड ऑफ वॉवल, फोनिक साउंड ऑफ वॉवल ए के ही वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे सी ए के ई, केक, सी ए के ई केक। एफ ए के ई फेक, ए पी ई एप, ए टी ई एट, टी आर ए वाई ट्रे, एल ए के ई लेक, टी ए के ई टेक, टी ए पी ई टेप, एल ए टी ई लेट, पी आर ए वाई प्रे, डब्ल्यू ए के ई वेक, एम ए के ई मेक, जी आर ए पी ई ग्रेप, डी ए टी ई डेट, एस पी आर ए वाई स्प्रे। ओके, आप इस तरह से इन वर्ड्स को पढ़ेंगे और साथ में आप लिखेंगे भी। 4 times मैंने यहाँ कॉलम बनाए थे, इस तरह से आप अपने कॉपी में भी कॉलम बनाएंगे और उसे लिखेंगे। विथ स्पेलिंग पढ़ना है, लिखना है और लर्न भी करना है आपको चिल्ड्रन। तो आज आप फोनिक साउंड ऑफ ए वाले वर्ड्स पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट डे मैं फोनिक साउंड ऑफ ई वर्ड्स पढ़ाऊँगी आपके लिए। तो इन वर्ड्स को आप याद कर लेंगे। ओके चिल्ड्रन, गुड बाय।